टारगेट क्या है? मेरा जो बुनियादी टारगेट है कि सिंध के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, क्योंकि सिंध रिच है इकोसिस्टम्स में, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम, तो उनके जो भी नेचुरल साउंड्स हैं उनको प्रिजर्व करना है, अपनी लाइब्रेरी में रखना है और दुनिया को सिंध का आवाज़ सुनाना है कि दुनिया के जो लोग हैं जहाँ पर नहीं आ सकते, तो जितने भी जहाँ पर इकोसिस्टम है उनके आवाज़ से महसूस हो सकते हैं, वो सुन सकते हैं। जी, मेरा नाम शकील अहमद खास कहली है। मैं खैरपुर बेस्ड एक बॉटनिस्ट हूँ, उसके साथ साथ मैं फील्ड रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है कि नेचर की रिकॉर्डिंग, नेचर के साउंड्स, जितने भी साउंड्स हैं, बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के या वाटर के जो भी है, तो वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइप का फील्ड रिकॉर्डिंग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो की तरफ जाते हैं या फोटोग्राफी की तरफ, नेचर की फ़ोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो ऑडियो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, तो ऑडियो बहुत कम है। ऐसे चंद लोग होंगे जो पाकिस्तान में ये काम कर रहे होंगे कि फील्ड रिकॉर्डिंग, साउंड स्केपिंग कर रहे होंगे। मेरे पास डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे साउंड रिकॉर्डर है, फील्ड साउंड रिकॉर्डर। तो ज़्यादातर जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो स्टीरियो फॉर्म में होता है, तो स्टीरियो रिकॉर्डिंग के लिए छोटे किस्म के साउंड फील्ड रिकॉर्डर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, और फील्ड रिकॉर्डर्स भी यूज़ करते हैं डिफरेंट चैनल्स में, 4 चैनल, 2 चैनल। मोस्टली जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो 2 चैनल पे स्टीरियो रिकॉर्डिंग है। फील्ड रिकॉर्डिंग बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो रहे हैं, कुदरती माहौल ख़त्म हो रहा है, तो इसी तरह से ये जो आवाज़ है कुदरती माहौल में वो भी उसके साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं। चंद सालों के बाद ये आवाज़ भी हो सकता है कम हो जाएंगे या ख़त्म भी हो सकते हैं, तो इसकी कंजर्वेशन के लिए फील्ड रिकॉर्डिंग ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारे वाइल्ड में किस टाइप के साउंड्स हैं, नेचुरल साउंड्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबकी जो डेटा होता है। फील्ड रिकॉर्डिंग बेसिकली ये नेचर की रिकॉर्डिंग है, तो हम फील्ड रिकॉर्डिंग करते हैं कि तकरीबन डिफरेंट हैबिटेट्स में हम जाते हैं, वहाँ पर जो बर्ड्स हैं या जो भी कुदरती माहौल में आवाज़ हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी, कुदरती जो आवाज़ है माहौल में उसकी रिकॉर्डिंग है ऑडियो फॉर्म में। लोग वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। फील्ड रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कहीं से सीखा नहीं, मेरा शौक़ था, तो फिर वो इंटरनेट से रिसर्च पेपर्स पढ़े साउंड स्केपिंग इकोलॉजी पे, साउंड स्केपिंग पे, तो वहाँ से मैंने काफ़ी लेसन, ऑनलाइन जो लेसन हैं वो मैंने लिए हैं, तो वहाँ से गाइडलाइन मिल जाती है कि टूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं
और किस तक कहाँ कहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हैबिटेट्स जहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और किस टाइम आप रिकॉर्डिंग के लिए जा सकते हैं फील्ड में, कौन सा टाइम बेस्ट होता है, किस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होते हैं या एनिमल्स एक्टिव होते हैं। अभी जो ये जो मेरे पास फील्ड रिकॉर्डिंग्स हैं, तकरीबन 20-25 घंटों की रिकॉर्डिंग है डिफरेंट हैबिटेट्स की, तो ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है। अभी तो मैं उसमें जमा कर रहा हूँ, इनरिच कर रहा हूँ अपनी साउंड लाइब्रेरी को। आगे चल के मैं कोई अपना चैनल लॉन्च करूँ, या थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं, या साउंड क्लाउड पे भी मैं ये रिकॉर्डिंग्स मेरी अवेलेबल हैं। इंटरनेशनली मैंने किसी के साथ रबता तो नहीं किया, मगर साउंड क्लाउड पे या डिफरेंट फोरम पे शेयर करते रहते हैं हम अपनी जो रिकॉर्डिंग्स हैं। दूसरे लोग भी हैं जो फील्ड रिकॉर्डिंग करते हैं, शेयर करते हैं। सिंध में डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम थे, जहाँ पर इंडस के साथ आप जाएंगे रिवराइन बेल्ट है, तो वहाँ का एक अपना इकोसिस्टम है, उसके साथ डेल्टा की तरफ एक अलग इकोसिस्टम है। फिर हमारे पास बहुत बड़ा जो एरिया है डेजर्ट का है, उसमें भी डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं जो वहाँ पर वेटलैंड्स हैं डेजर्ट में। तो यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है अभी सिंध में फील्ड रिकॉर्डिंग के हवाले से। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सच्चे कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हो गया, उनके पास भी साउंड लाइब्रेरी नहीं है। तो साउंड बेसिकली कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा टूल है, कि साउंड के थ्रू आप कंजर्वेशन कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, जो साउंड्स हैं वो हम कंजर्व कर सकते हैं, और ये फर्दर हमें फ्यूचर में काम आएंगी रिकॉर्डिंग्स, कि इस हैबिटेट में उस टाइम किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे या एनिमल्स थे। तो हो सकता है वो 10-15-20 साल के बाद उस तरह से नहीं होंगे जो अभी हैं।